Hi viewers, this is me Dibaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा. और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर पहली बार उमेर ने ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की यंग यूथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा और भी बड़े सारे जो है पंगों में इन्होंने अपनी टांग अड़ाई हुई है, ये कह सकते हैं. और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक सर ने, और हम इनको इनके जो अक्सर इनके एनालिसिस जो हैं आप हमारे चैनल पर देखते हैं, इनके खुद के चैनल पर भी आप इनके एनालिसिस देखते हैं, जो कि बड़ा कुछ सीखने का भी मौका मिलता है. और आज जो है सबसे पहले तो मैं उमेर आपको वेलकम करती हूँ. क्या आपने हमारी व्यूअर्स के लिए टाइम दिया? थैंक यू सो मच. और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. जी जी थैंक यू. आपने कहा उमेर यंग यूथ है, आप मुझे कम से कम ओल्ड यूथ ही बोल देती, वो भी नहीं बोला आपने. आप तो प्रोफेशनल दिख रहे हैं मुझे. यूथ लाजमी बोल दें. ना ना ना, आपने उनको यंग भी कहा, आपने उनको यूथ भी कहा. आपने ना मुझे यंग कहा, ना मुझे यूथ कहा, ना मुझे ओल्ड यूथ कहा, ना मुझे यंग यूथ कहा. क्योंकि सर आप मेरे लिए बहुत एहतराम वाली जगह पे बैठे हैं ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूं प्रोफेसर हैं आप और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. आप एहतराम को कहिए जय श्री राम, बट आई वांटेड टू बी यंग एंड यूथ. कोई बात नहीं, चलिए अब तो सर कह देती हूँ. डॉक्टर अभिषेक सर ने आज हमें ज्वाइन किया है, ये भी जो है यंग यूथ है. ठीक है सर, खुश है अब आप? नहीं ओल्ड यूथ है. अब ना ओल्ड यूथ है. अब नहीं, अब बोल के आपने वो मजाक उड़ा रही हैं आप मेरा हैं, ये तो वही हो गया जी. सर आपका मजाक, कोई बात नहीं, चलिए अब जो भी है वो हम दिल के अंदर है, अब ना बताने वाले. अब ना ना ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई ओल्ड रहा, कोई यंग रहा, कोई यूथ रहा, पर कोई बात नहीं, चले आप शुरू कर. ठीक है सर. सर कोई नीचे कमेंट भी कह रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड अभिषेक सर, देख लें. अच्छा तो हम लोग लाइव है क्या? आर वी लाइव? जी सर. ऑलराइट. अच्छा आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और वो टॉपिक बेसिकली ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले यानी कि फरवरी के महीने से हम देख रहे हैं कि कभी जो है वो इनॉग्रेशन करने के लिए यूएई जाते हैं, उसके बाद उनका कतर का विजिट, वो भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ने उसको कवर किया और पाकिस्तान में उसकी काफ़ी चर्चा है. उसके अलावा हमने देखा कि अब आगे जो उनकी मसरूफियात है वो ये है कि वो जम्मू कश्मीर जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और कश्मीरी यूथ से खिताब करने जा रहे हैं. और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो खिताब है बहुत बड़ा खिताब होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद ये पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कश्मीर की टेरिटरी पर, और वहाँ की यंग यूथ से खिताब करेंगे और ये स्टेडियम में होगा, गुलाम स्टेडियम शायद उनका स्टेडियम का नाम है, जिस पर कश्मीरी यूथ पर बात करेंगे. और उससे अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर जो है वो भी बातचीत होगी, और बातचीत होने के साथ साथ उसकी अप्रूवल भी होंगे. बहुत सारे यंग यूथ के लिए प्रोजेक्ट और कश्मीरी यूथ के लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन किए जा रहे हैं. और सबसे बड़ा यहाँ पर एक हम चीज़ देख रहे हैं कि पिछली बार हमने देखा कि 14.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कश्मीरी यूथ के लिए उन्होंने अलॉट करवाया, और उसके साथ साथ एक ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है आने वाले टाइम में. तो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं. और पाकिस्तान की जानिब से बहुत अग्रेसिव मोड भी हमने देखने को मिला, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे सामने आए, और इस कश्मीर को देखते हुए कश्मीर की टेरिटरी में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट है उस पर. तो आगाज करते हैं डॉक्टर साहब से. सर क्या कहना चाहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जम्मू कश्मीर में उनके विजिट को कैसे देख रहे हैं आप, और पाकिस्तान का उस पर रिएक्शन? मैंने पाकिस्तान का रिएक्शन तो देखा नहीं, पाकिस्तान के रिएक्शन से क्या लेना देना. इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो कहीं भी जाएंगे अब वो, मतलब चूंकि बहुत ही जल्दी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट की पावर जो है वो सारी की सारी चली जाएंगी. इलेक्शन कमीशन विल बिकम ऑल पावरफुल. तो लास्ट फेज जो मेरे ख्याल से आई गेस एट द एंड ऑफ फरवरी और द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इलेक्शन की डेट आ जाएंगे, और फिर जो है गवर्नमेंट जो है वो एक लेम डक गवर्नमेंट बन जाएगी. तो आई थिंक ही इज गोइंग फॉर सम मेजर अनाउंसमेंट. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ट्रेनें चलनी है, नई वंदे भारत ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, उसका वो
इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश है कश्मीर में, ताकि वहाँ के लोगों को बेटर कनेक्टिविटी मिले और उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो, चीज़ों में आने जाने में उनको सहूलियतें मिले, एंड दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट। तो वो उसको उसी तरीके से देख रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के क्या इतराजात हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो आई हैव नॉट लुक्ड इनटू दैट। क्या है बता दें पाकिस्तान क्या? पहले तो डॉक्टर साहब को पूछे ना कि वो इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी। अच्छा राइट राइट। अच्छा बिंगा पाकिस्तानी, आपने ये आपने ये आपने लाइव ये आपने लाइव होने की वजह से तो नहीं बीजेपी का नाम ले लिया? लाइव और अलाइव दोनों तरीके से बीजेपी है भाई, मतलब बेसिकली बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी इज द फैक्टर। तो मैं पार्टीज को लेकर, आई वोट फॉर इंडिया नॉट फॉर पार्टीज, बट प्रधानमंत्री मोदी जिधर है उधर तो मेरा वोट जाएगा, बिकॉज आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे अच्छा काम पिछले 100 सालों में भारत में नहीं हुआ, आई एम सेइंग 100 साल। तो वो इंडिया उसकी आइडेंटिटी को भी दिला रहे हैं, वो इंडिया में डेवलपमेंट पुश कर रहे हैं, इकोनॉमिक पुश कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, वरना तो बाकी आइडियोलॉजीज ने तो इंडिया को जितना डिसइंटीग्रेट किया वो तो मतलब इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो द गाय इज अ यूनिफाइंग फैक्टर, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई माय वोट गोज फॉर मोदी जी। जी सही। अच्छा उमेर, ये बताएं कि आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद कश्मीर के हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला विजिट है इस रिमूवल के बाद, इस आर्टिकल के रिमूवल के बाद, इसको आप बीइंग अ पाकिस्तानी कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इस पर रिबाहा मैं ये कमेंट करना चाहूंगा, अभी आपने इलेक्शंस की बात की, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो कश्मीर है ना उनकी इलेक्शन कैंपेन का पॉइंट होता है, मतलब वहां पे पार्टीज जो हैं वो कश्मीर को अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर यूज करती हैं, ठीक है। अभी दैट्स व्हाई मोदी जी जो है वो इलेक्शन से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लॉन्च की इनोग्रेशन के लिए जा रहे हैं, वहां पे एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं, कोई जो यंग यूथ का बार बार आप नाम ले रही हैं, एनीवेज वो पब्लिक को वहां पे एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर कश्मीर के ऊपर हमारा स्टांस वेरी बहुत क्लियर है, पाकिस्तान का तो शुरू से एक ही स्टांस है कि यूएन रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली इसका डिसीजन होना चाहिए, वहां के लोगों का राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि विद होम दे आर गोना लिव। बट क्योंकि इस बात को इतने साल गुजर चुके हैं, अब तक दोबारा उन रेजोल्यूशंस के ऊपर दोबारा बात हुई, तीन दफा ये पुश हुई है, 71 तक ये चीज, 49 के बाद 50s में हुई, फिर 70s के अंदर हुई, तीन दफा ये चीज पुश हो चुकी है, उसके बाद नहीं हुई। तो अब ये पाकिस्तान तो स्टांस लेते हैं, लेकिन आपने देखा कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस अभी गुजरे, अभी हुए इलेक्शंस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका कोई कश्मीर के ऊपर किसी ने बात ही नहीं की, कोई स्टांस ही नहीं था उनको पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए कश्मीर के बारे में कुछ नहीं था कि व्हाट दे गोना डू इफ दे कम, कोई उसमें से गवर्नमेंट में आएगा तो उनका क्या इसके ऊपर स्टांस होगा। लेकिन चूंकि इंडिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर और वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि कायदे ने तो शुरू में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, तो लेकिन इंडियंस जो है वो जो स्पेशली बीजेपी या जो भी पार्टी इनकी फ्यूचर में गवर्नमेंट में आ रही होती है वो कश्मीर को बड़ा सीरियस कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है खास तौर पर जो वहां के लोग हैं वो इस इशू को इतना सीरियसली वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी एड्रेस कर रही है, इसलिए भी इनका वोट बैंक बढ़ता है। तो वहां पे वोट बैंक हैज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर स्टांस ऑन द कश्मीर, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हम पब्लिक का नैरेटिव या पब्लिक का इतना ज्यादा उसको पब्लिक उसको जम्मू एंड कश्मीर के इशू कंसिडर नहीं कर रही होती, इसलिए कोई इस पे बात नहीं करता। तो इस मोदी जी वहां पे बिल्कुल अपनी, मेरे ख्याल से तो जो मुझे लगता है, एक तो ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी इज अ गुड थिंग, बट वो अब जाके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल आप यू कह लेंगे स्टंट भी होता है और टूल भी होता है कि इलेक्शन के लिए आपने ये सब करना होता है टू गेट द मैक्सिमम वोट बैंक, तो वहां पे वो वोट बैंक के लिए इसको करेंगे। और बाकी जो आपने ट्रेन प्रोजेक्ट की बात की और उसकी बात की,
जो पावर में होता है, पावर में गवर्नमेंट की पार्टी को उसको फायदा ये होता है कि उसके पास फंड्स होते हैं, उसके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दैट्स व्हाई मोदी जी इज गोइंग टू गिव देम द 2 or 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वो उस पर लॉन्च करेंगे और प्लस वो अपने इलेक्शन को सिक्योर करेंगे। ये दैट्स व्हाट आई हैव स्टांस ऑन देयर यू नो इलेक्शन कैंपेन। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, जैसे उमेर ने कहा कि वोट पाकिस्तानी जो है वो ये पाकिस्तानी स्टांस है ना, तो आप क्या कहेंगे वोट बैंक भरने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं आम आवाम से खिताब करने के लिए, और आपको क्या पहले भी उनकी शोहरत हमने देख ली है यूएई में, जिस तरह उन्होंने अपने कल्चर को और उनके कल्चर को इज्जत दी है और उन्होंने भी मतलब आप लोगों के कल्चर को इज्जत दी, और यूएई से बड़ा तो कोई नहीं इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब से बड़ा तो कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या उनकी शोहरत में अब और मजीद इससे इजाफा होगा या वो पहले ही बहुत ज्यादा फेमस है? और मेरे जितने भी इंडियन से बात होती है वो यही कहते हैं कि इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद इस विजिट के बाद जैसे उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक क्या इफेक्ट होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी थैंक यू रिबा जी, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला कि यूएई या सऊदी अरबिया इस्लामिक कंट्री है? सर ये ज्ञान कैसे मिला आपको? सर सबको पता है कि हैं, आप प्रूफ कर दीजिए कि वो इस्लामिक कंट्री है, आप जो कहेंगे मैं अभी हार लूंगा। सर प्रूफ इसमें प्रूफ है उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो वो है वो जो उनके जो लीड कर किंगडम है वहां पे वो इस्लाम मुसलमान है, दैट्स व्हाई यू कैन से ना, अगर नहीं हुआ तो अच्छा ये आप प्रूफ करें फिर, अगर वो नहीं है तो लीजिए। चलिए रिबाहा, चूंकि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है तो दुख तो होता है मुझे, खैर कोई बात नहीं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लीजिए आपको मैंने ना यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन शेयर कर दिया, जैसे आप पाकिस्तान हो ये कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से है ना, और तो कोई तरीका नहीं है। आप कौन हो ये आपके पासपोर्ट से पता चलता है, पाकिस्तान कौन है पासपोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी, चलिए ये क्या लिखा है आप ही पढ़ दीजिए इसको, या मुझे तो जो भी आपके जो भी आप ही पढ़ते हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट, चूंकि आप लैपटॉप से नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरिन फेडरल स्टेट। वो नहीं लिख रहे हैं इस्लामिक स्टेट, वो क्यों क्रूशियल है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोग के साथ जो मोए मोए किया गया है ये समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। सो व्हाट दे आर राइटिंग अबाउट देमसेल्व्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरिन फेडरल स्टेट एंड इज रेफर्ड टू हियर इन आफ्टर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द यूनियन। द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एमिरेट्स, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, समथिंग, फजुआ, रस अल समथिंग। अच्छा इसके आगे क्या लिखा है सुन लीजिए, एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन। क्या लिखा है रिभा जी, आप तो इस्लामिक हो ना? जी सर। आप इस्लामिक हो? हाँ जी बिल्कुल। आपके हिसाब से कोई भी इस्लामिक है? हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है सर, वो तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं। हाँ तो आप इस्लामिक हो ना भैया, वो भी इस्लामिक है, इनको रिभा जी कहती इस्लामिक है, वो भी तो इस्लामिक है ना, वो भी रिभा जी कहती इस्लामिक है। तो आप ये कहो यूएई से, यूएई का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन द यूनियन, आपको शामिल करवा दो जरा। आपका पासपोर्ट अभी दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है, और यूएई पासपोर्ट दुनिया का नंबर एक पासपोर्ट है, रातों रात आप नंबर वन पासपोर्ट वाले होल्डर बन जाओगे। आप भी इस्लामिक, वो भी इस्लामिक, जरा बोलो, जरा ऐड कर ले आपको। ऐसा हो सकता है कि अगर हम उनको कहें कि ऐड किया जाए तो क्या वो हमें उस तरह अपने साथ जोड़ने में रजामंद होंगे? भाई क्या लिखा है उन्होंने, कंडीशन लगा देना, क्या पूछ रहे हैं वो आपको, क्या होना चाहिए ऐड करने के लिए? सर अरब कंट्रीज तो किसी को भी नेशनलिटी नहीं देते ना, वो तो किसी को नेशनलिटी देते ही नहीं, किसी भी कंट्री को नहीं देते। वो आपको अरबिक, वो कह रहे एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन, अरब कंट्री लिख रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं।
तो आप अपने आप को इस्लामिक कहते हो, यूएई को भी इस्लामिक मान के चल रहे हो, आर्टिकल 7 में जाओगे वो ये लिखते हैं कि स्टेट का रिलीजन इस्लाम है लेकिन उनका नेशन इस्लाम नहीं है। या। लेकिन सर हम अरब में नहीं आते क्योंकि अरब तो एक सर्टेन ट्राइब को उस एरिया को कहते हैं ना कि जो अरबी। थैंक गॉड, अल्लाह हू अकबर हो गया आज तो मेरे साथ। आप अरब नहीं है ये बात तो भैया क्लियर हो गई। ठीक है भाई, कौन हो फिर अब आपका नेशनलिटी क्या? आपका रिलीजन तो इस्लाम है, आपकी नेशनलिटी क्या है सर? इस्लाम, नेशनलिटी पाकिस्तानी है लेकिन अरब। सर अरबी होना, सर अरबी होना इज नॉट पाकिस्तान का मतलब क्या? मतलब फिर बोलते हो ना पाकिस्तान का मतलब क्या भाई? पाकिस्तान तो कोई नेशनलिटी तो हो नहीं सकती, पाकिस्तान नाम का कोई नेशन है ही नहीं। आपको बताया जाता है ना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही बताया गया ना। आपका नेशन क्या है? आपका रिलीजन हमें पता है इस्लाम। यूएई जो कह रहा है वो अपने आप को इस्लामिक नहीं बता रहा, वो अपने आप को नेशनलिस्ट बता रहा है। वो कह रहा है मेरा नेशन है अरबिया है और हम अरबिक है। आपने तो एक इस्लामिक कंट्री बनाई है ना, आप उनसे बोलो यार आप भी इस्लामिक, हम भी इस्लामिक, जुड़ जाएं रातों रात, मजा आ जाए। यूएई का पार्ट, यूएई का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका पासपोर्ट की वैल्यू है, सब आप रातों रात एमिरेट्स हो। सोचिए आपकी वो दशो दिशा, अभी यूएई से कहां, अरे IMF से पैसे मांग रहे हो, सारा कुछ आपका हो जाएगा। क्यों नहीं जोड़ रहे? ये तो एक अरब कंट्रीज की अपनी पॉलिटिकल डिबेट है। वो तो क्वेश्चन जो उन्होंने किया था, या तो बिल्कुल डेविएट कर गया टॉपिक से। वो उन्होंने कहा था कि आप ये मोदी जी के जो अभी कश्मीर के अंदर जो करने जा रहे हैं उसका ये डेविएशन नहीं, आप समझ ही नहीं रहे ना। मैं सरकार रहे, मैं कह रहा हूँ आपने अपना नेशन मिटा दिया है, आपने अपना नेशन मिटा दिया है। आपकी नेशनलिटी कह रहे हो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा, सब कुछ जोड़ जोड़ के आपने इस्लाम ही अपनी आइडेंटिटी बना दी है। आपकी भाषा क्या है उमेर भाई? आपकी मादरी जबान क्या है? उर्दू। कहाँ रहते हैं आप? किस शहर? जबान पंजाबी। मादरी जबान पंजाबी। उर्दू क्या है फिर आपकी? नेशनल लैंग्वेज, कौमी जबान। कौमी जबान आपकी वो है, चलिए ठीक है। और आपका कौमी तराना किस जबान में होना चाहिए? अगर कौमी जबान उर्दू है तो उर्दू में होना चाहिए। आपका कौमी तराना किस भाषा में है उमेर भाई? यार वो तो मिक्स्ड लैंग्वेज है। नहीं भाई, कौमी लैंग्वेज आपकी उर्दू है तो कौमी तराना उर्दू में होना चाहिए, यानी उर्दू में तो नहीं है तभी आप शाही कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, फारसी में, फारसी भी है उसमें और उर्दू भी है, हिंदी भी है, मिक्स है भाई। मैं कह रहा हूँ कोई दुनिया के ऐसे तो कोई एक लैंग्वेज हो ही नहीं सकता जो मिक्स नहीं है। इंग्लिश में भी संस्कृत के वर्ड है और इंडिया में भी, हिंदी में भी संस्कृत के वर्ड है, मगर वो ओवरऑल 90% उसके वर्ड वो हैं, फारसी हैं। आप फारसी में है, बिल्कुल ऐसे। तो कौमी जबान आपकी उर्दू, कौमी तराना फारसी, और आपको बता दें आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश दोनों है, लेकिन आपकी रिलीजियस लैंग्वेज आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो अरबी है। आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है मेरे भाई आपने? जी जी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है आपने? सीरियसली? मैंने सारा तो नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली सारे आर्टिकल्स तो नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ प्रोविजन पढ़वाता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है साहब, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि रिबाजी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खोल सकती हैं क्या? उमेर कहां चले गए? नहीं सर वो नहीं ओपन हो रहा। नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा, मैं ओपन कर देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ना जरा समय ले रहा हूं, रिलेट क्या चीज करना चाह रहे हैं? मैं रिलेट ये कहना चाह रहा हूं कि जिस कश्मीर के लिए आप हमसे लड़ रहे हैं और हमें इंडियन इंडियन और अपने आप को आप कुछ और दिखा रहे हैं, उसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ रिलीजन है और कुछ नहीं है। जहां आप रहते हैं वो भी इंडिया ही है,
ठीक है ना, आप डिवीजन ऑफ इंडिया का पार्ट, पार्टीशन, रिलीजन, रिलीजन तो हम रिलीजन तो कभी भी बेस नहीं रखा। तो पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था इंडिया से सरकार, सर आप बता देगा? हाँ वो अलग तो, वो तो बेस बिल्कुल थी, रिलीजन थी, लेकिन जो कश्मीर की अभी बात हो रही है, कश्मीर का जो स्टांस है वो रिलीजन नहीं है, रिलीजन उसको नहीं तो कभी रिलीजन के ऊपर बात भी नहीं की। नहीं सर, अब चले छोड़े, अभी आपने आजाद जब उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को आईओके क्यों कहते हैं, आप ये बताए, हम तो अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं कहते, इंडियन ऑक्यूपाइड क्यों कहते हैं? हमने कहा का आप कहते हो भैया, वो नहीं, मुझे आप ये बताएं, आपने कहा रिलीजन नहीं है मैटर, ठीक है ना, आपने आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सर? नहीं सर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आप ही का, आप ही के देश के लोगों ने बनाया उसको, पढ़ा आपने? कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। नहीं नहीं मैम, मीटिंग क्यों नहीं हो रहा, मैं आपसे शेयर नहीं हो रहा सर कुछ, मैं शेयर कर देता हूं आप लोग के लिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए, सो दैट यू कैन थिंक कि आपको, अच्छा उमैर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ डेमोक्रेसी के हवाले से, कि अभी जो इलेक्शंस यहाँ पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कि कौन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो भी रिजल्ट आते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे रिलेट करती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान में कितनी डेमोक्रेसी है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक डेमोक्रेसी यहाँ पे है, ज़रूर है, ऑब्वियसली सिस्टम चल रहा है, हम उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, आप कमज़ोर डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इट्स ए वीक डेमोक्रेसी, बिकॉज यहाँ पे हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस की भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, किसी हद तक आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइकनेस डिसलाइकनेस के ऊपर भी बात चल रही है, और स्पेशली यू नो अब इस वक्त जो सिचुएशन पॉलिटिकल हो गई है वो बड़ी हाइब्रिड सिचुएशन बन गई है, अब गवर्नमेंट आई थिंक मुझे लगता है कोई हाइब्रिड सी गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिसमें प्रॉब्ली कुछ टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, या ये कुछ पार्टीज मिलके अपनी एक नेशनल गवर्नमेंट को जो मुझे लगता है कि वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई चॉइस नहीं है, नो पार्टी हैज अ सिंपल मेजोरिटी, किसी पार्टी के पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन गवर्नमेंट या अपना प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्ट करवा लें, सो इट्स गोइंग टू बी कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें मेजर पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे लगता है कि फ्रंट फुट पे ऐसे चाहेगी, ये ना कैसे माशाल्लाह के इम्कानात हैं, गवर्नमेंट बनेगी जरूर, बट इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स गवर्नमेंट, सो इट्स गोइंग टू बी अ हाइब्रिड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैक्सिमम होगी गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन ये है कि हालात इस वक्त, जी जी उमेर जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए प्लीज प्लीज, हालात बस ये है कि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि चूंकि मुल्क की थोड़ी सी इकोनॉमिकल कंडीशन और ये सारा प्रेशर इस वक्त काफी ज्यादा है, और चूंकि सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी के पास नहीं होगी तो वो अपने सोल डिसीजन नहीं ले सकते, उनको पता है कि हम इकोनॉमिकल या सोशल पॉलिटिकल कोई भी डिसीजन हम लोग उस तरह से नहीं ले सकते, दे आर गोइंग टू बी ए वेरी टफ टाइम जब सबको मिलके, क्योंकि आपको पता है कंसेंसस डेवलप करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए इस वजह से गवर्नमेंट से इस वक्त सब लोग भाग रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट में ना, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सिट इन द ऑपोजिशन, तो ये है कि अभी इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी टफ है कि कौन लोग गवर्नमेंट में बैठेंगे, अगर ठीक है गवर्नमेंट में वो लोग बैठेंगे तो बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उनको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज बेयर करने पड़ेंगे, हो सकता है उनको अपना क्या कहते हैं अपना पॉलिटिकल इमेज खराब करना पड़े जस्ट टू टेक ऑफ द यू नो इकोनॉमिकल सिचुएशन, तो अब इस वक्त सब लोग डर रहे हैं कि अच्छा यार हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं और हम इतनी जल्दी इतने जो इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर हम बेहतर ना कर सके तो हमारी सियासी सियासत खत्म हो जाएगी, तो क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली आपको देखा कि पीडीएम बनने के बाद जो अभी तक इनको दोबारा गवर्नमेंट को पार्टीज को जो वोट पड़े हैं वो बहुत कम पड़े हैं, पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ज्यादा सीट ले ली, सो इस वक्त सब डरे हुए हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में और हमसे सही फैसले ना हुए या चीजें और खराब हो गई तो हमारी सियासत जो है ना वो और खराब हो जाएगी, उससे बचने के लोग ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट में बैठने का कोई तैयार नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ सिचुएशन, बट एस्टेब्लिशमेंट हैज टू सिट विद द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक अ कंसेंसस एंड टू मेक द
फ्यूचर गवर्नमेंट तो ये इस पे करेंगे मुझे लगता है। चलिए थैंक यू दिबा जी, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट नीचे शेयर किया वो कर लीजिए, फिर बात करेंगे एंड देन आई विल जस्ट टेक योर लीव। चलिए डॉक्टर साहब आप लॉ के बंदे हैं, आपने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं दुनिया के हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वो मेरा जॉब है, पढ़ने लिखने का मुझे बड़ा शौक है, मैं इसलिए बट मैं इसलिए कह रहा हूं शौक है लेकिन हमें जी जी मैं नहीं नहीं आप बोले अपनी बात बोले खत्म कर ले आप। नहीं नहीं बस कुछ नहीं, मैं कह हम भी पढ़ने लिखने का शौक है, ये नहीं कि हम पढ़ते नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपने इसलिए पढ़े हुए कि आपका पेशा वो है, सामने कॉन्स्टिट्यूशन सारे नहीं पढ़े हुए। जी 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 नहीं मैं देखिए एक होता है डेरिवेटिव नॉलेज, एक होता है ओरिजिनल नॉलेज, तो मैं डेरिवेटिव नॉलेज ओपिनियन पीस ये सब नहीं पढ़ता, आई डू रिसर्च, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, चूंकि आपका वो काम नहीं है, आप सेल्स में है, यू हैव अ डिफरेंट जॉब, तो बिल्कुल वो आपकी बात सही है कि मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि वो एज अ रिसर्च मेरा वो आता है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ ताकि जो आप ये कह रहे थे मुझसे कि ये इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कश्मीर डिस्प्यूट का, ये आपका इलेक्शन, ये आपका कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं, आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन है और ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 5 है जिसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट बनने कौन बनेगा, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर का, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोग को आर्टिकल 5 में, आइए इसी के नीचे आइए, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ मुस्लिम, ठीक है सर, आइए अब आइए और ऊपर ले चलते हैं आपको, नंबर 3 इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है सर, नंबर 3C इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, स्टेप्स शैल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम स्टेट सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर बाय दे मे इनेबल टू अंडरस्टैंड दे मे बी इनेबल्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुना, जो बेसिकली आपका आर्टिकल 31 है, सो दिस इज एज इस्लामिक एज इट गेट्स, द डिस्प्यूट इज एज इस्लामिक एज इट गेट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी एग्जैक्टली यही कहता है, वरना आप ये कह देते कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाने की क्या जरूरत है, जम्मू एंड कश्मीर का इस्लाम से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, वहां तो हिंदुइज्म था, आप बरूनी की किताब पढ़ लें, इस्लाम आने से पहले वहां हिंदुइज्म बुद्धिज्म था, ये कंडीशंस क्यों लगा देनी कि भैया सिर्फ मुसलमान ही प्रेसिडेंट बनेगा, बाकियों ने क्या गलत काम कर दिया, वहां के जो लोग हैं वहां के बुद्धिस्ट हैं हिंदूज हैं, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, डिवाइड होकर इस्लाम के नाम पे बना, टू नेशन थ्योरी की रेमिनेंट है कश्मीर, इस्लाम के नाम पे लड़ाई हो रही है वहां, क्योंकि वहां पे मुस्लिम ज्यादा है तो वो अलग कर दो, कल को पूरे भारत में लोग मुसलमान हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि सब चीज अलग कर दो, ऐसे तो दिक्कत होगी हर जगह हर समाज में, हम सब मिलके रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रख सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सिर्फ एक ही वे ऑफ लाइफ, मुझे थोड़ा सा मुझे जरा इस पे जरा गाइड कीजिएगा, आप आपका नॉलेज माशाल्लाह काफी ज्यादा है इसके ऊपर, मुझे जरा बताइएगा कि जो यूएन रेजोल्यूशन है और उन्होंने कहा कि जी वहां पे लोगों का राइट होना चाहिए, वो चूज करेंगे विच कंट्री दे आर गोइंग टू लिव, वहां पे आप वो करवाएं इलेक्शन टाइप, मतलब आप वोट करवाएं जो स्टेट वोट होते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो प्लेबिसाइट है, तो वो उस पे अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? जी चलिए अच्छा ठीक है वो बता देता हूं, देखिए ऐसा हुआ कि जब भारत का विभाजन हुआ, किसका विभाजन हुआ, भारत का, द डिवीजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, सो कश्मीर वॉज इंडिया, ठीक है ना, तो उस समय तक जो थे अंग्रेज ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट पैदा किया था 1947 के पहले, उसमें कुछ टेरिटरी तो डायरेक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से गवर्न होती थी, कुछ टेरिटरी लोकल राजाओं के हाथ में था, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, जब इंडिया आजाद किया गया, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खोल के दे दूंगा, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या किया गया, जो टेरिटरी अंग्रेज सीधा पार्लियामेंट से गवर्न करते थे उसको उन्होंने राइट अवे डिवाइड कर दिया, और वो दो टेरिटरी थी पंजाब और बंगाल की, पंजाब और बंगाल का भारत टूटा और वो बना पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना,
यानी जो एक हिस्सा इंडिया था वो इंडिया रह गया, उसमें से एक हिस्सा मुसलमान जो कहते थे टू नेशन थ्योरी कि हम मुसलमान हैं तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो वो बन गया पाकिस्तान। अब प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन ये आ गया कि या तो वो पाकिस्तान को चुने या तो वो इंडिया को चुने, अगर वो किसी को नहीं चुनते तो इप्सो फैक्टो इंडिया बन जाते, ये एक मेरा आर्ग्यूमेंट है। एनीवेज तो हुआ ये कि आप जिन्ना साहब ने जब जब आजाद हो गए तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से बोलो कि वो आ जाएं मिल जाएं, और कश्मीर के राजा ने हिला वाली थी, उन्होंने फोर्सेस भेज दी अटैक करने के लिए। उन्होंने कहा क्योंकि यूएन चार्टर, अभी आपको समझ में नहीं आता लेकिन यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ये कहता है कि यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में वैलिड नहीं है अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जिन्ना साहब का आर्ग्यूमेंट यह था कि चूंकि इंडिया की टेरिटरी इंटरनेशनल अभी डिसाइडेड नहीं है इसलिए फोर्स करो, और जो उस टेरिटरी पे फोर्स के थ्रू बैठ गया वो उसी की टेरिटरी हो जाएगा। उन्होंने इसका एग्जांपल दिया जैसे जूनागढ़ में जो इंडिया ने किया था। तो उन्होंने कश्मीर में अपने कबायलियों को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा कबायलियों के बीच में। इंडिया वो वॉर जीत रहा था लेकिन चूंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो इंटरनेशनलिस्ट थे तो उन्होंने कहा यार यूएन बन चुका है तो चलो यूएन में लेके चले मैटर को। जो आप ये कहते हैं कि आप यूएन में गए, आप यूएन में गए तो आप भी यूएन में जा सकते थे, मगर आपने यूएन का रास्ता नहीं चुना, आपने फोर्स का रास्ता चुना, ठीक है ना। हमने बल मनसाहत दिखाई क्योंकि आप जब वहां के औरतों और बच्चों को रेप करने लगे, मारने लगे, हमारी आर्मी जीत भी रही थी उसके बाद भी हम यूएन में गए, वहां पे यूएन ने सीज फायर करवा दिया और कहा कि जो जिसके टेरिटरी है वहां पे अभी आप सीज फायर कर दीजिए। उसके बाद चैप्टर 6 में यूनाइटेड नेशन चार्टर में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये दो चैप्टर्स हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के पावर से डील करते हैं। चैप्टर 6 का रिजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता, चैप्टर 7 का रिजोल्यूशन बाइंडिंग होता है, ठीक है। लेकिन चलें, जो ये जो रिजोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं अमेरिका से रिजोल्यूशन नंबर 48 वो चैप्टर 6 के अंदर में था, बाइंडिंग नहीं था। नेवरदलेस चलें उसको बाइंडिंग मान लेते हैं, ठीक है। आपका आर्ग्यूमेंट है आपने क्यों नहीं इंपोर्ट उस पे अप्लाई किया, वो उसमें 3 कंडीशन दी थी और तीनों कंडीशन जो था वो एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद कंडीशनल थी, एक हो जाएगा फिर दूसरा स्टेप, दूसरा हो जाएगा फिर तीसरा स्टेप। पाकिस्तान को उसमें एग्रेसर स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, इसलिए पाकिस्तान से कहा गया अपनी सारी की सारी सेनाएं आप वहां से निकालेंगे, चाहे वो रेगुलर फोर्सेस हो या इरेगुलर फोर्सेस हो। इंडिया से कहा गया कि आप वहां पे अपनी सेनाएं निकालेंगे लेकिन आप जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जितनी आपको आर्मी चाहिए वो आप वहां पे मेंटेन रखेंगे, हमसे पूरी की पूरी आर्मी को विड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया, आपसे आपकी पूरी आर्मी को विड्रॉ करने के लिए कहा गया। चूंकि आपने कश्मीर में पठान भी लेके आ गए थे इसलिए डेमोग्राफी भी चेंज करने की जो कोशिश थी उसको यूनियन ने कहा आप सबको निकालिए वहां से। वो इससे पहले की और बातें होती उस पर और चीजें को सॉल्व किया जाता, आप अपनी फोर्सेस निकालते और ये सब करते, वो आपने किया नहीं। आपने 1962 में चाइना का एक हिस्सा, अरे अपनी अपने हिस्से वाले जम्मू एंड जो आपके कंट्रोल में था उसका एक हिस्सा आपने चाइना को दे दिया और चाइना को आपने कहा कि ये टेरिटरी आप अपने पास रखिए, जब कभी प्लेबिसाइट होगा तब हम आपसे बात करेंगे, समझ रहे हैं आप। So, ये जो पूरा अगर वो आपकी टेरिटरी है, किंग सोलोमन की एक कहानी है, एक बच्चे को लेके दो माएं आई, उन्होंने कहा ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा मेरा है, दोनों माएं कहती है बच्चा मेरा है। किंग सोलोमन ने कहा ऐसा करो बच्चे के आधे टुकड़े करो, एक किसको दे दो एक उसको दे दो, तो एक माँ चीख पड़ी, उसने कहा नहीं 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 आप इसी को दे दिए पूरा बच्चा। अगर वो टेरिटरी से आपको इतना प्यार होता, अपनी टेरिटरी मानते, आप चाइना को नहीं देते। यू हैव डन एवरीथिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ टू डिफीट, पहले तो आपने अपनी आर्मी कभी नहीं निकाली वहां से, आज तक मेंटेन्ड। तो पॉइंट ये है उमेर भाई, जिस सर मेरा पॉइंट ये है, आप बोलेंगे तो मैं यूएन रेजोल्यूशन भी आपको ऐसे अभी शेयर कर दूंगा और तीनों कंडीशन मैंने सर पढ़ा है। यूएन रेजोल्यूशन मैंने तीनों उस पे पढ़े हैं, बल्कि 70 पहले 49 के अंदर, फिर 52 के अंदर, फिर दोबारा 70 के अंदर, 71 के जब जंग दोबारा छिड़ी उसके बाद फिर यूएन के अंदर। अब देखें आप खुद मान रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूएन में गए सीज फायर करवाने के लिए, सीज फायर उन्होंने अनाउंस किया तो पाकिस्तान उसपे मरवाने, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, सीज फायर के लिए नहीं गए वो, चूंकि आपको यूएन चार्टर का यूएन का पर्पस नहीं पता। हाँ जी आप बोले, अच्छा आप बोले पहले। लेकिन यूएन ने ऑब्वियसली सीज फायर करवाया ना तो पाकिस्तान ने उसको मनवान इम्प्लीमेंट किया उसी वक्त अगर लेकिन यूएन ने जो बाकी जो उस पर स्ट्रेस किया जिसपे प्लेबिसाइड के ऊपर, क्या वहां पे फौरी सीज फायर के फौरी बाद वहां पे प्लेबिसाइड करवाएंगे? नहीं, तो आज तक इंडिया ने ये बात, सर ये बात आप उसकी यूएन रेजोल्यूशन खोले 49। हां तो यूएन रेजोल्यूशन खोले, प्लेबिसाइड पहली बात तो सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 था, लेकिन पहला कंडीशन था आप अपनी फोर्सेस निकालेंगे, अब अगली बार आएगा तो कर देंगे हम ट्राइड फॉर इट।
आप अपनी फोर्सेस निकालेंगे, इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मेंटेन करेगा, उसके बाद जब कंड्यूसिव हो जाएगा एनवायरनमेंट तो वहां पे प्लेबिसाइट होगा, तीनों पार्ट एक साथ लाए जाएंगे। आपने एक हिस्सा कश्मीर जो है वो चाइना को दे दिया, तो वो बाकी सारे वो तो सर, लेकिन लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान ने भी कैनेडा ने भी किया, लेकिन प्लेबिसाइट के ऊपर आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? क्या आपको ये डर है कि वहां के लोग पाकिस्तान पे वोट देंगे? पाकिस्तान नेवर सर, सेना मैं आप सेना के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वहां के जो लोग हैं, आप प्लेबिसाइट इसलिए नहीं आज तक करवा रहे कि आपको लगता है कि वहां के लोग पाकिस्तान को वोट करेंगे, इसलिए नहीं करवा रहे आप? अरे भाई, आप अपने हिस्से में प्लेबिसाइट करवा रहे हैं, पॉइंट ये है कि उसकी कंडीशन था कि तीनों कश्मीर में छोड़ेंगे। आप ये सर बात आप इकट्ठे करवा ले, आप इस पे कंसेंसस तो करें ना, प्लेबिसाइट की तो गवर्नमेंट बात ही नहीं करती, इंडिया तो इस पे आता ही नहीं है। अब मैं मेरा पॉइंट ये है कि 1900 गवर्नमेंट आती ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपका सही बात है। अब तो प्लेबिसाइट का कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, क्योंकि हमने इंटरनल प्लेबिसाइट करा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना लिया, वहां वोटिंग हो गई, खेल खत्म हो गया। लोगों ने 1954 में कश्मीर के लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने कहा हमने इंडिया से अपना वो कर लिया है इलाका, खेल खत्म। उसके बाद 1971 में आपने जब वो बांग्लादेश आपका जो डिबेकल हुआ, उसमें भी आपने जो शिमला एग्रीमेंट साइन किया, आपने कहा कि ये मैटर अब यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन का नहीं रहा, अब ये हम लोग आपस में मिल बैठ के साम नहीं ये ऐसी सर ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस पे तो स्टांस तो पहले दिन से क्लियर है पाकिस्तान का। आप तीन दफा सर यूएन के अंदर तीन दफा ये रेजोल्यूशन पास हुई है, एक दफा नहीं हुई, तीसरी दफा दोबारा जब उसको किया है, फिर यूएन ने एक ही बात की है। और अगर तो तीसरी बार दफा भी अगर पॉइंट चेंज हो रहा तो हम बात को एक्सेप्ट करते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपने खुद अभी कहा कि जब सीज फायर से ये मसला शुरू हुआ, उसके बाद तो खैर उसके बाद फिर तीन जंगें हो गई हैं, लेकिन सीज फायर हर दफा हुआ है। लेकिन जब प्लेबिसाइट की बात आती है तो इंडियन इस पे आता ही नहीं है। क्यों? कि वो पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के इश्यूज की बात करता है, सेना की बात करता है, लेकिन एक सेकंड मेरे कंप्लीट होने से, उसके बाद पब्लिक की तो बात ही नहीं करता। इंडिया इस चीज पे क्यों नहीं जाता कि जो जम्मू एंड कश्मीर की पब्लिक है वो किधर जाना चाहते हैं, इस पे क्यों नहीं आते आप लोग? ये आधा जम्मू कश्मीर आपके पास है, उसको मिलाना पड़ेगा ना पहले कश्मीर, तो मिला ले सर, आप अपनी आर्मी तो हटाओ ना भाई, आप प्लीज रेजोल्यूशन जाके पढ़े, उसमें ये लिखा है आपको अपनी आर्मी हटानी है, कंडीशनल है। जब आप हटाओगे पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आएगा, जब वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नीचे आएगा सर, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नीचे आएगा? रेजोल्यूशन में लिखा है सर, आप अपनी सारी हटा दोगे तो जम्मू, भाई सुनिए आप पढ़ लीजिए इसको जाके और अपने एक्सपर्ट से भी बात कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में जब आप अपनी सेनाएं हटा दोगे तो जो प्री 1947 का स्टेटस था टेरिटोरियली वो रिस्टोर होगा, पूरा वो जेरे जो कश्मीर है वो पूरा इंडिया के कंट्रोल में आएगा। इंडिया को कराना है प्लेबिसाइट तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे हावी होगा। अभी आपने कभी खाली नहीं किया, उल्टा आपने 1962 में चाइना को दे दिया एक हिस्सा, तो आप चाह रहे हो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट हो जाए और पाकिस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं होगा, ये ऐसा कह रहे हो क्या आप? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप कट्ठे करवा ले, लेकिन आप कट्ठे करें ना। दूसरी बात ये कि आप अनाउंस आपकी सर, ये आप बात कर रहे हैं, मैंने आज ये आप बात कर रहे हैं, मैंने ये 370 का जो आर्टिकल रिवॉक किया आपने और वो सारा कुछ किया है, उसके अंदर एक दफा भी बात नहीं हुई कि हम सारे कश्मीर को इकट्ठा करके प्लेबिसाइट करवाएंगे। आप तो बात नहीं करते उसके, प्लेबिसाइट की तो सर वर्ड ही नहीं यूज होता, जबकि पूरी रेजोल्यूशन जो है वो बेसिस के ऊपर कह रही थी कि हम सीज फायर करेंगे, उधर से हम फोर्सेस निकालेंगे जस्ट फॉर द प्लेबिसाइट एंड लेट द पीपल ऑफ द कश्मीर डिसाइड कि विद हुम दे गोना लिव। तो पॉइंट ये है कि हम अभी तक चाहे अभी तक हम तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम करारदादों रेजोल्यूशन के ऊपर अमल कराने के लिए तैयार है, हम तो पब्लिक को वोट का हक देना चाहते हैं, आप लोग तो इस पर बात ही नहीं करते। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, पब्लिक की तो बीच में बात ही कहीं पे नहीं हो रही, आप सारा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस है वहां पे, आजाद कश्मीर में आप लोग हैं और चाइना को दे दिया। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग उनके पब्लिक की बात करते हैं, आप लोग उनके पब्लिक की बात ही नहीं करते। इट मींस कि आपको पता है कि उनकी जो पब्लिक, भाई आप नहीं समझ रहे हैं, आप किसी जब आप अपने ना किसी एक्सपर्ट से जाके जो आप पब्लिक की बात करें वो आधी पब्लिक आपके पास है सरकार हमारे, और उसमें से आधी पब्लिक अब आपने चाइना को दे दी है,
तो सारी पब्लिक इकट्ठा होगी ना कि खाली जम्मू एंड कश्मीर में करवाओगे, यहाँ वाले इंडिया वाले में। और खैर वो बात भी खत्म हो गई है, टू नेशन थ्योरी हैज बीन प्रूवन रॉन्ग कि मुसलमान सारे एक साथ रह सकते हैं, ये बात खत्म हो चुकी है। तो टू जिस थ्योरी के आधार पे आपने इंडिया का डिवीजन कराया था, वो थ्योरी ने आपसे पीछा छुड़ा लिया। अभी आप जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसमें सरकार नहीं बना पा रहे हो, गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आप इस्लाम के नाम पे सिर्फ अकेले आओगे और बाकी सारी जो हिस्ट्री है और जो कस्टम कल्चर है उसका खून कर दोगे। बोलोगे कि उर्दू लैंग्वेज है पूरे कौमियत की, पंजाब की लैंग्वेज उर्दू, आप जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी बोलवाते हो, आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कश्मीरी बोलने देते हो, आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो वहां की गिलगिटी की भाषा है उसको प्रमोट करते हो, हर जगह आपने उर्दू लगा दिया है। जम्मू एंड कश्मीर की कौमी जबान उर्दू तो नहीं हो सकती, उसकी कौमी जबान जम्मू एंड कश्मीर होगी, उसकी कौमी जबान शारदा लिपि। कौमी जबान तो एक ही होती है ना, वो तो मादरी लैंग्वेज सारे बोलते हैं भैया, हमें तो नहीं समझ में आ रहा क्यों वहां का प्रेसिडेंट मुसलमान बन जाएगा, ऐसी क्या खास बात है मुसलमान होने में? और जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट रिलीजन इस्लाम क्यों होगा, हिंदुइज्म में क्या बुराई है, ऐसी क्या खास बात है? ये तो मुझे इसका देखने के लिए पहले मुझे अगर ट्यूनिशियन थ्योरी सुनोगे उस वक्त कायदे आजम का ये स्टांस था, मैंने तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर ऐसा क्या पता लिखा हो, क्योंकि आरएसएस की थ्योरी ये थी कि जो आपके सारे लीडर्स होंगे वो हिंदू होंगे और हिंदू ही चलते आ रहे हैं अब तक, कोई मैंने मुसलमान लीडर तो देखा नहीं यार। अब आप यहां से ही अगर वो भाई एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, वो हिंदू थे? नहीं, जो अभी अभी जो आपके जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ता, मैंने तो अपने भी सारे आर्टिकल पढ़ के आइए, कोई रोक थोड़े रहा है, पढ़ के आइए, मैं तो आपको पढ़ा हुआ दिखा रहा हूं आपके सामने, मैं तो आपको पढ़ा हुआ दिखा रहा हूं। आप भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए और बताइए कहां लिखा है ऐसा। आप दूसरों के कल्चर को मारोगे, खत्म कर दोगे, बनाओगे एक पंजाबी की कौमी जबान उर्दू बना दोगे आप, और कहोगे कि सर दिस इज माय नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के वो कह रहे हैं जिन्होंने कौमी जबान उर्दू कर दिया, वो तो आइडेंटिटी के लिए एक जुबान बनाया गया, हमारी एक जुबान उर्दू कौमी जुबान है, अदरवाइज यहाँ पे सारी मादरी जुबानें बोली जाती हैं, मदर लैंग्वेजेस सारी हैं। आपके स्कूल में पंजाबी पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है। चलिए पंजाबी के अल्फाबेट बता दीजिए आप जरा, स्कूल में पढ़ा होगा ना एबीसीडी, याद है आपको, अंग्रेजी पढ़ी होगी एबीसीडी, लेकिन ये ऑप्शनल पंजाबी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शन था। शाबाश, पंजाबी आपकी मादरी जबान ऑप्शन थी, हैट्स ऑफ है सर आपको, मादरी जबान ऑप्शन हो गई आपको, तो ठीक है ना। अब ये जाहिर सी बात है, अब एक जुबान जब कौमी कर दी है तो उस पे सारे पढ़ाएंगे ना, अब ये जिस तरह अंग्रेज है वो इंग्लिश ही पढ़ाएगा ना, वो ये थोड़ी क्या मादरी लैंग्वेजेस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दो। अरे यार अब आप ठीक है, I'm good, आप चलिए इसी से चलिए, वो आपकी गलती नहीं है, आपको आपके चूंकि स्कूल कॉलेजेस में और कुछ बताया ही नहीं तो आई कैन अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, मगर आप लोग सोचिए समझिए और बैठिए, और मैंने आपको अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया, अरब अपने आप को अरबी कह रहा है, दुनिया की इकलौती कौम है जो मैं तो डॉक्टर साहब आपने कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं तो अभी रिबाहर है जो आपसे क्वेश्चन किया था उसका तो आपने आंसर दिया ही नहीं, उस पर बात ही नहीं की आपने तो रिलीजन को शुरू कर दिया, आपका सारा जो कश्मीर पे क्लेम ही रिलीजन है मैंने आपको दिखा दिया, बात ही खत्म हो गई। मैं तो कश्मीर पे कोई क्लेम किया ही नहीं, अभी क्लेम के तो बात भी बात की है, अभी तो आपने अभी तो उन्होंने बात की है कि जो अभी तो उन्होंने जो बात की है कि मोदी ने अभी तो उन्होंने बात की मोदी जी ने जो उधर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वो क्या पॉलिटिकल मूव है, उन्होंने ये पूछा है, मैंने कहा मेरे मुताबिक पॉलिटिकल मूव है, आप क्या कहते हैं? कश्मीर में करें, तमिलनाडु में करें, वो हमारे घर में कहीं भी करें, हमसे क्या, आपसे क्या लेना देना सरकार हमारे, आपका जो अभी जो आपकी अक्सरी जो बिल्डिंगे बन रही है वो यार ये हमसे क्या लेना देना, इसका मतलब ये तो आप जो आप बात कर रहे हैं तो मित्रा मैं कहूँ कि हम लैंग्वेजेस उर्दू में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए या पंजाबी पढ़ाए आपको क्या लेना देना, ये तो कोई बात का जवाब नहीं है ना, तो कह रहे हमें कोई ले आप पढ़ो, हमने कहा ऑब्जेक्शन किया डॉक्टर, हमने कहा ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा बिल्कुल करो लेकिन हम नहीं करने देंगे, मैंने तो आप अपना करो, यू आर फ्री,
हम अपनी लोकल जबानों को प्रिजर्व करेंगे, अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, अपने कस्टम को प्रिजर्व करेंगे, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करेंगे। आपने अपनी हिस्ट्री पे आग लगाना है, आप लगा दीजिए। अच्छा मैं तो सर उमेर साहब, आप ये जिस तरह कश्मीर इशू है उसी तरह ये डिबेट तो इसी तरह लंबी चलती रहेगी और इस तरह कश्मीर का कोई हल नहीं निकल सकेगा। तो हम इस तरह की डिबेट्स जो है आगे मजीद कंटिन्यू करते रहेंगे और डेमोक्रेसी के हवाले से बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है आखिर आने वाले एपिसोड्स में, और जिसमें डॉक्टर साहब और मैं आपको भी इनवाइट करेंगे, डेमोक्रेसी के हवाले से बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। तो व्यूवर्स, आप सबके जो आपने सेगमेंट को इस लाइव सेशन को एंड तक देखा उसके लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, उमेर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much.